हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्लाउज से ब्लाउज की कटिंग किस तरीके से करें। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, कहीं से भी आपको कोई भी स्टेप नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपसे कोई भी स्टेप छूट जाएगा और आपका ब्लाउज है वो खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से ब्लाउज की कटिंग करनी है, वो भी बिना इंची टेप के। तो देखो, ये मेरे पास ब्लाउज बनाने के लिए ये फैब्रिक है और ये इसका नाप है, इससे हम करेंगे ब्लाउज की कटिंग। तो सबसे पहले हम कपड़े को खोल लेते हैं और कपड़े को हम पहले उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करके ही इसकी कटिंग करेंगे, हम मार्क भी उल्टे कपड़े पर ही करेंगे। तो कपड़े को खोल के मैंने इस तरीके से इसको मैंने डबल फोल्ड कर दिया है और डबल फोल्ड करके कपड़े को सभी जगह से बराबर रखना है और सभी जगह से बराबर रख के फिर हमें अपना सिला हुआ ब्लाउज लेना है और उसे खोलना है। ये ब्लाउज है हमारा फुल बाजू का है, हाफ बाजू का नहीं है, और इसको हम इस तरीके से रखेंगे। तो देखो, ये ब्लाउज को मैंने पहले इस तरीके से रख दिया है, पूरे ब्लाउज को खोल के आपको इस तरीके से रखना है। यहां से एकदम बराबर रखना है और यहां से भी एकदम बराबर रखना है और यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर और यहाँ पर एक सीधा निशान आपको इस तरीके से लगाना है। तो मैंने ये निशान लगाया है, यहाँ से हमें पहले कपड़े को कट कर लेना है। और हमारा ये वाला कपड़ा है, ये हम पहले एक साइड में रख देंगे, इसमें से हम बाद में आस्तीन कट करेंगे और फिर हम इसको हटाकर इस कपड़े को इस तरीके से खोलेंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे लंबाई की तरफ में। लंबाई की तरफ से कपड़े को फोल्ड कर देना है और कपड़े को सभी जगह से बराबर रखना है। ये कपड़े को मैंने सभी जगह से बराबर रख दिया है और अब हमें क्या करना है, देखिए, कपड़े को ऐसे फोल्ड करके हमें अपना ये सिला हुआ ब्लाउज लेना है। इसको ऐसे बराबर करते हुए इसका बैक पार्ट हमें पकड़ना है पहले, और यहाँ पे नीचे हमें पहले तुरपाई के लिए ये निशान लगा देना है फोल्ड करने के लिए। जितना हमारा इसमें कपड़ा फोल्ड हो रहा है, आप अपने अंदाज से यहाँ पे निशान लगा सकते हैं। तो ये मैंने तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए यहाँ पे निशान लगा दिया है और फिर हम आते हैं इसकी लंबाई पर। इसको हम यहाँ पर ही रखेंगे और यहाँ से इसको हम एकदम बराबर करेंगे और बराबर करके यहाँ पे जितना हमारा गला है उतना हम यहाँ पे गले का भी निशान लगा देंगे। तो देखो, इसकी बैक गले की सिलाई यहाँ पर आ रही है, ये रही। तो हम यहाँ पे तो इसके गले के निशान लगा देंगे और ऊपर हम इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा मार्जिन के लिए निशान हम इसमें लगा देंगे। तो देखो, ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है और फिर हम इसकी गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान इसी के हिसाब से लगा देंगे। देखो, ये इसकी लंबाई का निशान हो गया गले का। अब यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, इस तरीके से इसको हम पकड़ेंगे और यहाँ पे इस निशान को हम यहाँ तक सीधा कर देंगे और सीधा करके यहाँ पे हमारी शोल्डर की सिलाई है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम ऐसे निशान लगा देंगे और यहाँ पे उंगली रखेंगे जहां तक हमारे यहाँ पे हमारे आर्म होल की सिलाई खत्म हो रही है यहाँ पर, इसको हम यहाँ से कर देंगे ऐसे। तो देखो, ये हमारे बैक पार्ट का निशान यहाँ पे हो गया है और फिर हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ऊपर की साइड में हमारा जो कपड़ा है उसको हम फोल्ड कर लेंगे, इस पे हम अपने फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। तो हम अपना ब्लाउज लेंगे और उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करके इस तरीके से इसको हम फोल्ड करेंगे और ये बैक पार्ट का गला है इसको हम अंदर की तरफ छुपा देंगे और इस तरीके से इसको हम यहां तक लाएंगे। मार्जिन तो आपने बैक पार्ट में छोड़ ही दिया है, तो आप ये फ्रंट वाले पार्ट में मार्जिन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि दोनों पार्टों में एक साथ मार्जिन हमने पहले ही छोड़ दिया है। और ये गले का निशान लगाना है और यहाँ पे ऐसे लगाना है, जितनी गले की गहराई है उतनी ही आपको गहराई रखनी है। और यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज है इतना है, तो देखो यहाँ पे ये बैक और फ्रंट दोनों इसके बराबर है, तो यहाँ पे तो हमारा फ्रंट पार्ट का फोल्ड हो जाएगा तुरपाई के लिए और यहाँ पे हम इसको इतना एक्स्ट्रा रखेंगे। फ्रंट वाला पार्ट हम बैक वाले पार्ट से ज्यादा कट करते हैं, तो देखो यहाँ पे ये हमारा बैक पार्ट आ रहा है और इतना ये मेरा ज्यादा है। और फिर हम यहाँ पे लगाएंगे आर्म होल का निशान, ये शोल्डर का निशान हो गया और यहाँ पे हम उंगली रखेंगे, पहले इसको ऐसे सीधा मिला देंगे और फिर इस तरीके से करके इसमें हम गोलाई की शेप दे देंगे।
आपको इस तरीके से करना है और जितना इसकी फिटिंग है इतना इसकी आपको फिटिंग का निशान लगाना है। तो देखो कपड़े को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे आपको फिटिंग का निशान ये लगा देना है। ये इसका फिटिंग का निशान हो गया। इसको हम इसी तरीके से कर देंगे कट। पहले हमारा ये जो नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हम इसमें से निकाल देंगे और फिर हम इसके गले की कटिंग करेंगे। तो इसका बैक गला है वो थोड़ा कम है, तो पहले हम दोनों गलों को एक साथ काट लेंगे, बैक और फ्रंट को, और फिर हम फ्रंट वाले गले की गहराई को बढ़ा देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने अपने बैक गले का निशान लगाया, तो हमारा यहीं तक हमें कटिंग करना है और फिर हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। आर्म होल की कटिंग आपको गोलाई की शेप में ही करनी है। और ये है इसका मार्जिन, ये तो आपको पता ही होगा, हमने ये मार्जिन का ही निशान लगाया है फिटिंग के हिसाब से। और फिर हम यहाँ से इसको कर देंगे इस तरीके से अलग। अब हम आते हैं अपने टक्स के निशान पे, तो वो आपको किस तरीके से लगाने। तो आप अपना ब्लाउज लेंगे इस तरीके से और ब्लाउज का एक पार्ट आपको रखना है। तो देखो ये पार्ट मैंने ब्लाउज का रख लिया है और यहाँ पे इस तरीके से आपको टक्स का निशान लगाना है। यहाँ पे उंगली रखनी है, इसको लगा देना है, और यहाँ पे उंगली रखनी है, यहाँ पे उंगली रखनी है, इसका निशान नीचे की साइड में लगा देना है, और यहाँ पर उंगली रखनी है, इसका निशान नीचे की साइड में लगा देना है। और इन निशानों को इस तरीके से आपको चारों निशानों को सीधा सीधा मिला देना है। ये इसके टक्स के निशान हो गए। और अब हमारा ये जो फ्रंट वाला आर्म होल है इसको हमें थोड़ा डीप करना है, तो ये हमें छांटना पड़ेगा। तो देखो ये इसके आर्म होल की मैंने कटिंग कर दी है और ये ब्लाउज की कटिंग होकर रेडी हो गई है। और अब मैं आपको इसी के हिसाब से आस्तीन की कटिंग भी करके बता देती हूँ। तो इसको हम अभी साइड में रख देते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको आस्तीन की कटिंग भी बता देती हूँ। तो देखो ये मैंने जो साइड से कपड़ा निकाला था ये वो है, और इसको हम पहले फोर फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, जिससे हमारी दोनों आस्तीनें वो एक साथ निकल सके। सभी जगह से कपड़े को बराबर करके अपना सिला हुआ ये ब्लाउज लेना है और इसकी एक बाजू आपको लेनी है, आप कोई सी भी ले सकते हैं। तो देखो मैंने इसकी एक बाजू है वो ले ली है और उसको इस तरीके से रखना है। तो पहले उसमें नीचे फोल्ड करने के लिए आपको कपड़ा छोड़ना है, क्योंकि इसमें हमारा ये जो नीचे आधा इंच का कपड़ा फोल्ड हो रहा है आपको इसी के हिसाब से इसमें फोल्ड करने के लिए कपड़ा छोड़ना है। और यहाँ पे इसकी फिटिंग का निशान भी आपको लगा लेना। ये इसकी फिटिंग का निशान हो गया और उसके बाद इसका मार्जिन का निशान भी आपको लगाना है। तो ये इसके मार्जिन का निशान हो गया, सभी जगह लगाना है आपको। और यहाँ पे आपको इसके आर्म होल का निशान लगाना है। बाजू को इस तरीके से आपको फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करके यहाँ पे इस शेप में बाजू का निशान आपको लगाना है और फिर इसको हटा देना है। तो देखो सभी जगह ये निशान लग गया है और इसी निशान की जगह से आपको इसको कट कर देना है। और यहां से आपको इसी शेप में कट करना है आर्म होल को, ब्लाउज में भी और आस्तीन में भी, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको सेंटर का कट लगाना है और यहाँ पे दो पार्ट को उठाना है, ये दो नीचे रह गए और इस दो पार्ट को उठाना है और इसमें आपको इस तरीके से कटिंग करनी है। मैं आपको निशान लगा के पहले बता देती हूँ फिर कटिंग करूंगी। तो देखो आर्म फ्रंट वाले आर्म होल को आपको इस तरीके से डीप कट करना है, तो दो पार्ट को ही उठाना है। ध्यान रहे आपके चारों पार्ट एक साथ नहीं कट जाएं, नहीं तो आपकी बाजू है वो खराब हो जाएगी। देखो ये फ्रंट वाली बाजू है और इसको मैंने दोनों बाजुओं के आर्म होल को डीप कट कर दिया है। और फ्रेंड्स ये मेरे ब्लाउज की कटिंग होकर रेडी हो गई। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।